कोमोडो ड्रैगन जब कोमोडो आइलैंड पर शिकार पर निकलता है तो कोमोडो आइलैंड के बंदरों के बीच हाहाकार मच जाता है। कोमोडो ड्रैगन एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। जितने खतरनाक तरीके से और निर्दयता से कोमोडो ड्रैगन इन बंदरों का शिकार करता है ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन क्या कोमोडो ड्रैगन ऐसा गोरिल्ला के साथ कर पाएगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और देखेंगे कि कोमोडो ड्रैगन शिकार कैसे करता है और क्या कोमोडो ड्रैगन किसी गोरिल्ला का भी शिकार कर सकता है। क्या होगा जब कोमोडो ड्रैगन और गोरिल्ला आमने सामने होंगे तो कौन सा जानवर किस जानवर को धूल चटाएगा? जानने के लिए बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। इस लड़ाई में किसी को तो झुकना होगा, पर गोरिल्ला किसी के आगे नहीं झुकता और कोमोडो ड्रैगन अपनी निर्दयता से बाज नहीं आते। गोरिल्ला जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर है। गोरिल्ला इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो हम इंसानों के इशारों को समझ सकता है। इसीलिए गोरिल्ला जैसे ही कोमोडो ड्रैगन को देखेगा वो उसे पहचान जाएगा। गोरिल्ला को इतना तो पता नहीं होगा कि ये छिपकली कितनी खतरनाक है, क्योंकि गोरिल्ला से कोमोडो ड्रैगन का सामना पहली बार होगा। लेकिन गोरिल्ला ये अंदाजा जरूर लगा लेगा कि सामने वाला जानवर बड़ा है, उसके पास खतरनाक जबड़े और पंजे हैं, इसीलिए गोरिल्ला उससे संभल कर लड़ेगा। चलिए देखते हैं ये लड़ाई कितनी हद तक खतरनाक है और इस लड़ाई का विजेता कौन होगा। चलिए एक बार इन दोनों जानवरों को उनकी साइज, स्पीड और व्यवहार से कंपेयर करते हैं। किसी कोमोडो ड्रैगन का वजन 90 किलो तक होता है, वहीं गोरिल्ला जो है उसका वजन लगभग 270 किलो तक होता है। किसी कोमोडो ड्रैगन की ऊंचाई 2 फीट और लंबाई लगभग 10 फीट तक होती है, वहीं गोरिल्ला जो है उसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट और लंबाई बस 6 फीट तक ही होती है। कोमोडो ड्रैगन जो है वो लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, वहीं गोरिल्ला कोमोडो ड्रैगन से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं। इनकी रफ्तार लगभग 40 किलोमीटर पर घंटे तक जाती है। वहीं बात करें इन दोनों जानवरों के सेंसेस की, कोमोडो ड्रैगन रात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अपनी जीभ का इस्तेमाल करके वो अपने आसपास की हवा को चेक कर कई किलोमीटर दूर खड़े शिकार को भी सूंघ सकते हैं, लेकिन कोमोडो ड्रैगन के सुनने की क्षमता बहुत ही कम होती है। वहीं गोरिल्ला जो है वो हम इंसानों की तरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं और चीजों को महसूस कर सकते हैं और सामने क्या हो रहा है उसे बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं। लड़ाई के दौरान ये दोनों जानवर कैसे एक दूसरे से अपने आप को बचा सकते हैं या फिर कैसे ये एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं, उसमें कोमोडो ड्रैगन के पास खतरनाक बैक्टीरिया वाली लार होती है। कोमोडो ड्रैगन के मुंह में बहुत ही तेज नुकीले दांत होते हैं जो सामने वाले जानवर पर अगर लग जाए तो एक खतरनाक घाव सामने वाले जानवर पर वो छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही कोमोडो ड्रैगन के पास बहुत ही तेज पंजे भी है जिनसे वो शिकार को दबोच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोरिल्ला जो है वो लड़ाई के दौरान खुले हाथों का उपयोग करता है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो मुट्ठी बांधकर सामने वाले जानवर पर मुक्का मार सकता है। उससे अलग गोरिल्ला काटने पर ज्यादा जोर देता है, क्योंकि गोरिल्ला का बाइट फोर्स 1300 PSI का होता है जो सामने वाले जानवर पर घाव क्या उसकी हड्डियों को भी चकनाचूर कर सकता है। गोरिल्ला सामने वाले जानवर के कमजोर हिस्सों को पहचान कर वहां पर वार करता है और गोरिल्ला के पास है बेसुमार ताकत जिसकी बदौलत वो अपने से भारी जानवर को उठाकर फेंक सकता है। अगर इन दोनों जानवरों के शिकार करने के व्यवहार को देखें तो कोमोडो ड्रैगन एक शिकारी जानवर है। वो घात लगाकर शिकार करता है और कोमोडो ड्रैगन इस फिराक में रहता है कि सामने वाले जानवर को कैसे मार गिराए। वहीं गोरिल्ला जो है उसका व्यवहार कोमोडो ड्रैगन से बहुत अलग है। गोरिल्ला ऐसे खतरनाक जानवरों से दूर रहना चाहेगा। गोरिल्ला तो इनसे लड़ना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि गोरिल्ला जो है वो कोई शिकारी जानवर नहीं है, इसलिए वो इस लड़ाई से जल्द छुटकारा पाना चाहेगा। वैसे इन दोनों जानवरों के बीच लड़ाई होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन जो है वो इंडोनेशिया के सिर्फ कोमोडो आइलैंड पर पाए जाते हैं, वहीं गोरिल्ला जो है वो मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में रहते हैं। फिर भी कैसे भी करके हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों जानवर आमने सामने होते हैं। ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। कोमोडो ड्रैगन जो है वो बहुत ही धीमा जानवर है, तेजी से दौड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान इनके कोई काम नहीं आने वाली। गोरिल्ला को दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट जानवरों में गिना जाता है, वहीं कोमोडो ड्रैगन जो है उसे दुनिया के सबसे बेवकूफ जानवरों में गिना जाता है। अगर आप दुनिया के सबसे बेवकूफ जानवरों के बारे में जानना चाहते हो या फिर सबसे इंटेलिजेंट जानवरों के बारे में जानना चाहते हो तो उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इन जानवरों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो।
कोमोडो ड्रैगन के खतरनाक व्यवहार से कोमोडो आइलैंड का हर जानवर वाकिफ है। कोमोडो ड्रैगन कोमोडो आइलैंड के हिरण, बंदर, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इन जंगली भैंसों का भी शिकार कर लेते हैं। ये कोई ताकतवर शिकारी जानवर नहीं है, लेकिन कोमोडो ड्रैगन का निर्दयी व्यवहार इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। ये घात लगाकर शिकार करते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये शिकार के बहुत करीब जाते हैं और बस छोटा सा घाव उनके शरीर पर कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वो घाव शिकार को कमजोर बना देता है और फिर कोमोडो ड्रैगन उस जानवर की गंध का पीछा करके उस कमजोर जानवर का शिकार कर लेते हैं। ऐसे करते हैं कोमोडो ड्रैगन शिकार। तो अब सामना कोमोडो ड्रैगन का गोरिल्ला से होगा, तो वो घात लगाकर शिकार करने से तो रहा, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन के सामने दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट जानवरों में से एक खड़ा है। अगर गोरिल्ला कोमोडो ड्रैगन की आइलैंड पर पाया जाता तो गोरिल्ला कोमोडो ड्रैगन के बारे में पूरी तरह से वाकिफ होता। कोमोडो ड्रैगन कैसे शिकार करता है और कोमोडो ड्रैगन के पास कौन सी ऐसी खतरनाक चीज है जिससे वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, चलिए अब जानते हैं कि इस लड़ाई के नतीजे क्या होंगे। अगर ये दोनों जानवर आमने सामने होते हैं और गोरिल्ला को लगता है कि वो कोमोडो ड्रैगन को पछाड़कर ही आगे बढ़ सकता है, तो गोरिल्ला कोमोडो ड्रैगन पर तुरंत हमला कर देगा। लड़ाई के दौरान कोमोडो ड्रैगन गोरिल्ला को काटने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, गोरिल्ला बहुत इंटेलिजेंट जानवर है, इसीलिए गोरिल्ला कोमोडो ड्रैगन के जबड़ों से बचकर रहेगा। लड़ाई के दौरान गोरिल्ला अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, जिससे वो कोमोडो ड्रैगन को कुचलकर मारने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन जो है उसे इतनी आसानी से कुचलकर नहीं मार सकते, इसीलिए गोरिल्ला अपने इंटेलिजेंट दिमाग का इस्तेमाल करेगा। या तो गोरिल्ला कोमोडो ड्रैगन की सांस दबोचकर जान लेगा, या फिर गोरिल्ला कोमोडो ड्रैगन की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर पछाड़ेगा, जैसा एवेंजर्स में हल्क ने लोकी को धोया था। कुछ देर चलने वाली इस लड़ाई में गोरिल्ला कोमोडो ड्रैगन को हरा कर विजेता बन जाएगा। एनिमल टीवी हिंदी पर आपको बहुत सारे वीडियोस कोमोडो ड्रैगन और गोरिल्ला के दूसरे जानवरों से लड़ाई के मिलेंगे। चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आप एनिमल टीवी हिंदी पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, और हो सके तो बेल आइकन भी जरूर दबा दें। जल्द ही मिलते हैं इसी तरह के एक और रोमांचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।